आई थिंक आप सब लोग आ, हमारे कटिंग मशीन के बारे में एक्सपो में देखा है ना जी आपको मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है मतलब आप चार्ट प्लीज़ क्लियर करके डाल दीजिए ताकि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ए रहेगा थैंक यू फॉर कंफर्मेशन तो मैंने वहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन किया है हमारी टेलरिंग कैट सॉफ्टवेयर एक जो पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कस्टमर मेजरमेंट एंटर कर दिया तो आपको आसानी से पैटर्न निकाल सकते हैं करके तो जैसे ही आपके नॉर्मल जो प्रोसेस रहते हैं जैसे आपको ऑर्डर लेते हैं कस्टमर से उसके बाद मेजरमेंट लेके क्लॉथ कटिंग करते वैसे ही हमारे प्रोडक्ट में भी आपको वही प्रोसेस रहते हैं सिर्फ वो कटिंग करने के टाइम पर आप यहाँ पर कस्टमर की मेशरमेंट एंटर कर दे और डायरेक्टली आपको फैब्रिक को कटिंग कर दे तो आई थिंक आप सब लोग कस्टमाइज टेलरिंग में ही हो करके तो अगर कोई गार्मेंट्स में भी हो या कुछ यूनिट इंडस्ट्री में भी हो भी मुझे शार्ट में बता दीजिए ताकि मैं आपको आपके लिए भी सेपरेट में आपको बता दाऊँ कैसे आपको है करके ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है सिर्फ कस्टमाइज टेलरिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया है जिसमें आपको हर एक मेजरमेंट जैसे हम एक कटिंग मास्टर कटिंग करते हैं ना तो वैसे आपको कटिंग मेजरमेंट को यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा जैसे आपको कटिंग आ जाएगा मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर की शेयर करता हूँ स्क्रीन सॉफ्टवेयर स्क्रीन शेयर करेंगे अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे चैट में दीजिए पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आपकी जो क्वेरीज होगा मैं आपको अटेंड करके एक्सप्लेन करता हूँ சாஃப்ட்வேர் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுங்கமா அஸ்வின் ஹலோ எனக்கு ஷேர் ஆகல யாருக்குமே ஷேர் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போதான் பார்க்கலாம் सबको ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना जी ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पेनड्राइव सॉफ्टवेयर है पेनड्राइव डालने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसमें आपको यहां पर लेफ्ट साइड आप कॉर्नर पे देख लीजिए अप टू डेट करके एक ऑप्शन रहेगा उसमें अगर सॉफ्टवेयर आपको वर्शन अपडेट होगा मतलब वहाँ पर आपको अपडेट अवेलेबल करके दिख जाएगा और जो नीचे है करेंट वर्शन तो क्या वर्षन अभी चल रहा है वो वर्षन और उसके नीचे कस्टमर की मोबाइल नंबर जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर दिखेगा और ड्राइव की नंबर नीचे दिखेगा तो ऐसे आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स जनरली मिलेगा तो इसमें आपको नीचे लिंक्स पर आपको क्विक लिंक पर लेडीज जेंट्स किड्स यूनिफॉर्म्स सभी मॉडल्स मिलेगा मैं अभी आपको जेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने जेंट्स को क्लिक किया है तो आप इसमें देख सकते हैं कस्टमर की ऑर्डर कस्टमर डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते इसमें आपको कस्टमर की नेम और फोन नंबर देके उसके बाद आपको नीचे मेशरमेंट देना पड़ेगा जैसे हम कस्टमर कस्टमर की मेशरमेंट लेते हैं वैसे ही आपको हर एक मेशरमेंट को हमको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिटिंग स्टाइल फिटिंग स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हम करेक्ट चेस्ट लेके लेते उसके बाद ही हम एक्सेस करते हैं ना तो जितना इंच हमको देना है कोई लोग करते हैं ऊपर चेस्ट की चेस्ट राउंड की जहां पर आपको चार इंच रखते हैं और नीचे तीन इंच और सीट पर फिर चार इंच वैसे आपको हर एक स्टाइल पर यहाँ पर आपको लिस्ट है फिट स्टाइल करके यहाँ पर फिट स्टाइल आपको सेलेक्ट कर दिया मतलब एक मैं अभी देख लीजिए मैं फॉर्मल एक सेलेक्ट करता हूं सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसके राइट right साइड पर आप देख सकते हैं फिनिश मेजरमेंट करके एक नाम है उसमें आप देख सकते हैं चेस्ट हिप और सीट वो तीनों जो लूज है उसमें आपको करेक्ट मेजरमेंट जो आपने ऊपर एंटर किया है उससे आपको यहाँ पर बढ़कर आ जाएगा जितना इंच हम यहाँ पर फिट स्टाइल सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिट स्टाइल बढ़ेगा तो यहां पर वन फोर्थ की मेजरमेंट आप देख सकते हैं कितना रख सकते करके और यहाँ पर अगर कुछ आपको चेंजेस भी करना भी हो तो यहाँ पर नंबर्स में आप चेंज कर सकते हैं तो मुझे सीट लूज है और हिप लूज है और चेस्ट लूज है करने के बाद यहाँ पर अप्लाई दे दिया तो आपको आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो so एक एक कस्टमर तो स्ट्रेट पहनते एक एक कस्टमर तो एप्पल कट बैंट पहनते एक तो कट uh, शर्ट होते तो हम यहां पर भी आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट करके उसके बाद विथ शोल्डर विदाउट शोल्डर दोनों ऑप्शन है आपको तो इसमें क्या ऑप्शन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने अभी विथ शोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर क्लॉथ की टाइप होते हैं। डबल विथ पन्ना बोलते हैं ना हम तो वैसे कितने इंच पन्ना है उसके हिसाब से क्योंकि मटेरियल हम जो डालते हैं उसके हिसाब से भी आपको पैटर्न यहाँ पर ले सकते हैं इसलिए क्लॉथ टाइप को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न आ जाएगा योग पोर्शन अलग से आ जाएगा आपको और ये स्लीव की और फोल्डिंग अलोवेंसेस सब कुछ आपकी बेल्ट है आ, मतलब आ, योग की पोर्शन और नेक की राउंड सब कुछ हमने मेजरमेंट जो फ्रंट में एंटर किया उसके हिसाब से ही पैटर्न आया है और पैटर्न के कैलकुलेशंस आप यहाँ पर राइट right साइड पर देख सकते हैं फिनिशिंग मेजरमेंट्स कितना आया करके तो आपको जो आर्म राउंड है और सीट क्लोज वन फोर्थ की मेजरमेंट बैक साइड कितना है फ्रंट कितना है सो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको अगर कुछ भी चेंजेस करना भी हो यहां पर ही सिर्फ मेजरमेंट आपको एंटर करके आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए एक मिनट मैं दिखाता हूँ तो बैक और फ्रंट की कर्व्स जो है आप बैक की कर्व मुझे चेंजेस करना है तो आप जरा सी जरा मुझे बाहर आना है मतलब वो भी आपको कर सकते हैं अगर अंदर भी जाना में भी आप कर सकते हैं ये जो ऑप्शन सेटिंग आपको हम आ, आ, बताना चाहते वो हम आ, जब आपको इंस्टॉलेशन करने के समय ये सब फीचर्स आपको ट्रेनिंग देगा हम तो जैसे आपको सेटिंग चाहिए वैसे आप वो डिफॉल्ट भी बना सकते हैं जैसे आपने हमारी शॉप में तो क्या आ, फिटिंग स्टाइल हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से वो फिटिंग स्टाइल भी आप यहाँ पर डिफॉल्ट करके आप चेंज कर सकते हैं ये विथ शोल्डर हाफ हाफ़ स्लीव का है जैसे आपको फुल स्लीव का भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिर्फ फुल स्लीव की मेजरमेंट देके उसके बाद आपको यहां पर विथ शोल्डर दे दिया तो आपको शोल्डर पीसेस भी अलग से आ जाएगा ऐसे आपको फुल हैंड भी आ जाएगा जो कफ की हाइट होगा वो कफ की हाइट हम शुरू में एंटर कर दें तो उसके हिसाब से आपको पैटर्न भी आएगा और इसमें जो भी मेजरमेंट आपको अगर चेंज करना भी हो तो यहां पर राइट साइड में आपको दिया है यहाँ पर योग करके कॉलम भी रहते हैं योग की मेशरमेंट भी आप देख सकते हैं मैं योग कलम आधा क्लिक पानेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो आपकी योग की लेंथ कितना आया है सेंटर कितना आया है बॉटम की विथ कितना आया है तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हर एक कस्टमर को एक मेजरमेंट दे दिया तो आपको पैटर्न आसानी से निकाल सकते हैं क्लोज पनी कहूंगा विथ शोल्डर का विदाउट शोल्डर अब ये विदाउट आउट शोल्डर का है इसमें भी आपको जितना भी आपकी मेशरमेंट है उसके हिसाब से आ जाएगा और ये कटिंग आप डायरेक्ट कटिंग पर जा सकते तो ऐसे आपकी आ जाएगा उसके हिसाब से आसानी से आप கட்டிங் லேசர் மிஷின்ல ஒரு பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்கம்மா இப்ப கட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு அளவா திருப்பி வச்சுக்கோங்க ஸ்லீவ்ஸ் மட்டும் கட் பண்ண வேண்டாம் तो एक बैक और एक फ्रंट मैंने सेट करके रखा है मशीन पर कैसे कटिंग होगा करके मैं भी दिखाता हूँ तो आप देख लीजिए तब तो मैं अपने सॉफ्टवेयर पेज के पहुँचूँगा पॉकेट काटेंगा पॉकेट कैमरा ना सुलमा डॉन पर पॉकेट काटेंगे ये आपले ये रखते हो आपले ये रखते हो से ओके पॉकेट और इधर काटेंगे यहाँ पर आपको अगर पॉकेट के साथ चाहिए या कॉलर के साथ चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं तो हर एक कटिंग को आपको जो भी चाहिए वो पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा ओके माँ इप्पो इधर क्लोज பண்ணிடுங்க எதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ऐसे आपको कुर्ता कटिंग आएगा शेरवानी कटिंग सफारी शर्ट ब्लेजर जोधपुरी कुछ सभी मॉडल्स आपको आ जाएगा आई थिंक आप सबको शर्ट के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया आप देख सकते इधर तो हर एक मेजरमेंट को हर एक कस्टमर को जितना भी पेड़ ज्यादा होगा या उनका स्लिम फिट चाहिए जितना भी कस्टमर को आपका कस्टमाइजेशन हाथ से करते वो सभी कस्टमाइजेशन आपको अपने आप से हमारी सॉफ्टवेयर में हो जाएगा जितना हाइट चाहिए उतना हाइट और उतना लेंथ सब कुछ आपको आसानी से कटिंग हो जाएगा आई थिंक आपको सब कुछ मैंने शर्ट के बारे में बता दिया अगर शर्ट में कुछ डाउट हो तो मुझे बता दीजिए नहीं तो क्लियर डाल दीजिए ताकि मैंने आपको पैंट के बारे में बता सकता हूँ उसके बाद आपको लास्ट पर मैंने कटिंग दिखाता हूँ तो शर्ट के बारे में आपको ठीक है या कुछ डाउट्स है तो मुझे बता दीजिए मैं सॉफ्ट मेशरमेंट के बारे में या कुछ मुझे आपको डाउट्स हो तो जरूर बता दीजिए जी थैंक्स फॉर कंफर्मिंग तो अभी मैं पैंट के बारे में जाता हूँ तो पैंट में पैंट की मेशरमेंट्स आपको एंटर करना पड़ेगा कितना टाइम लगता है पूछ रहे हो जी आप कटिंग होने के लिए तो डेढ़ मिनट लगेगा मैक्सिमम मैं अभी ये होने के बाद आपको कटिंग में दिखाता हूँ तो पहले सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करके उसके बाद मशीन के बारे में जाता हूँ इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में दिखाया अभी तो अभी पैंट के बारे में दिखाता हूं उसके बाद आपको कटिंग के टाइम सब कुछ मैं दिखाऊंगा अभी ये यहाँ पर आपको पैंट की मेजरमेंट है पैंट की मेजरमेंट भी वैसे ही आपको जैसे आपकी मेजरमेंट देना है वैसे ही वैसे की वैसे आप जो मेजरमेंट कस्टमर से लेते हैं वैसे ही लेके उसके बाद आपको क्या पैटर्न चाहिए फुल फ्रंट रहेगा फ्लैट फ्रंट सिंगल प्लीट डबल प्लीट पैंट रहेगा आपको जो भी पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर पैंट सेलेक्ट पनी माँ ऐसे आपको पैंट की कटिंग भी आ जाएगा तो पैंट की कटिंग के मेशरमेंट क्या है और सब कुछ आपकी मेशरमेंट यहाँ पर आपको राइट साइड पे दिखेगा क्या मेशरमेंट है कितना आया करके आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये पैंट कटिंग की फ्लैट फ्रंट की कटिंग है और ऐसे आपको फ्लीटेड वाला भी आएगा सिंगल प्लीट डबल प्लीट है तो आपकी जो पैटर्न चाहिए उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये मेजरमेंट कैसा देना है और कैसे फिनिशिंग आ रहा है सबको आपको एक ट्रेनिंग सेशन भी रहता है जब आपकी यहां पर मशीन इंस्टॉल करते वैसे आपको मशरमेंट कैसे देना है और कैसे आउटपुट आ रहा है सबको आपको ट्रेनिंग रहता है उधर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉचेस भी आएगा अभी डायरेक्ट कटिंग पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर कैसे आपको नॉचेस आएगा करके ऐसा आप देख सकते हैं इसमें नॉचेस डबल पीट का नॉचेस आएगा और अटैचिंग पोर्शंस की नॉचेस भी आ जाएगा तो कहां पर फोल्ड करना है और कहां पर आपको अटैचिंग पोर्शंस होते हैं वो सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा तो एक एक कस्टमर की कटिंग डबल पीस का पैंट हो गया क्या अभी मैं मशीन में, में कटिंग करके दिखाता हूं आप देख लीजिए मशीन का कैमरा काटिंग माँ पेपर वेस्टिंग है ना पेपर वाला काटिंग है ना हमारे अंदर पहले एक शर्टिंग शर्ट की कट कर देते हैं तो शर्ट की कटिंग कैसा आएगा करके देख के और ये डेमो होने के बाद आपके लिए एक मेजरमेंट लेकर आप व्हाट्सअप कीजिएगा आपके मेजरमेंट पर एक कटिंग करके हम आपको वॉट्स कुरियर भेजता हूँ तो ताकि आपको फिटिंग भी आप उसमें देख सकते जैसे आपकी फ़िटिंग आया करके ये हमारा फैब पेपर रखा है पेपर पैटर्न रख के इसमें कटिंग करने के लिए रखा है मैंने जो मैंने कटिंग के बारे में आपने में बोल रहे थे ना तो कटिंग की टाइम कितना लगेगा करके मैं भी मैं बोल रहा हूँ देख लीजिए अभी कैमरा वांग काटिंग स्क्रीन ले स्क्रीन लग काटेंगे ये कटिंग अभी हमने करके रखा है तो जितना हमारे पास कपड़े है या कितने भी पेपर्स मेशरमेंट जिसमें जिस करना है वो मेशरमेंट हम यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर अभी कटिंग हो चुके हैं आप देख सकते हैं मशीन पर ही कितने टाइम पर वो कटिंग हुआ करके मशीन ला कटिंग टाइम काटिंग म यहाँ पर देख सकते हैं आप सिर्फ थर्टी टू सेकेंड्स पे ये कटिंग हुआ इसमें हमने अस्तिन नहीं काटा है तो अस्तिन भी साथ ही आप काटेंगे तो मैक्सिमम एक मिनट में तो एक कटिंग आसानी से आपको हो जाएगा ये पेपर मैंने रख के आपको आपके लिए दिखाया है तो आपके मेशरमेंट का भी एक ट्रायल लेने के लिए सिर्फ आपके मेशरमेंट हमें व्हाट्सएप कीजिए और आपके एड्रेस भी व्हाट्सएप कीजिए सो दैट आपके ऐसा ही कटिंग आपके मेशरमेंट की जैसे हमने एंटर किया है वैसे आपको आउटपुट आया करके एक वीडियो के साथ ही आपकी मेजरमेंट को करियर हम भेजते हैं सो so दट आपको कटिंग चेकिंग करने के लिए ईसी रहेगा आप यहां पर देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी कटिंग आया करके तो ये आपकी मेजरमेंट के लिए आप एक सैंपल मेजरमेंट दे सकते हैं मैं नेक्स्ट पैंट ऑडे पोर रही एक बार में आपको मिनिमम टू लेयर से वैसे भी तो आप सिंगल लेयर भी काट सकते हैं सिंगल लेयर से मैक्सिमम आठ लेयर तक आपको कटिंग हो सकते हैं मतलब ऑन फोल्डिंग अगर शर्ट को कटिंग करने के समय आपको मैक्सिमम फोर पीसेस एक ही साथ कटिंग हो सकते हैं तो आपको मिनिमम एक शर्ट की कटिंग आएगा दो मिनट में आई I मीन mean दो मिनट में एक पूरा कटिंग हो जाएगा इंक्लूडिंग अस्तिन के साथ आपको फुल कटिंग अगर करना है तो आपको फुल कटिंग आपको 2 मिनट्स में कटिंग हो जाएगा तो ऐसे ही हम एक शर्ट के सॉरी पैंट की कटिंग में मैं दिखाता हूं आप देख लीजिए कैमरा ऑन பண்ணலமா இல்லனா வாட்ஸ்அப் ஸ்கிரீன் இது சாஃப்ட்வேர் ஸ்கிரீனை ஆன் பண்ணி காட்டेंगे சோ தட் கஸ்டமர் அது ஆபரேட் பண்றதை பாத்துட்டே இருப்பாங்கல்ல हम्म ये एक पैंट कटिंग है पैंट कटिंग की कटिंग आप देख सकते हैं इधर जैसे आपको यहाँ पर हाँ जी चेक्स शो शर्ट है ना आपको चेक्स जो शर्ट होगा चेक्स भी और या स्ट्राइप्स भी मैच करने के लिए हमारा जो स्लीव्स के ऑप्शन है उसके साथ साथ आपको शोल्डर्स मैच करने के ऑप्शंस भी मिलेगा सो देट हमको वो भी मैच करके कटिंग कर सकते हैं इसमें अभी एक पैंट की कटिंग हो रहा है देख सकते हैं आप சாஃப்ட்வேரில் எனக்கு அந்த செக்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் காட்டுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஏன் இது இவ்வளோ இதாக இருக்கீங்க மெதுவாக போகிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு சாஃப்ட்வேர் பேஜ் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்கம்மா சாஃப்ட்வேர் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா சாஃப்ட்வேர் ஸ்க்ரீனை இதுல இதில் ஜென்ஸோட எது ஷர்ட்டோட இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எனக்கு அந்த யோக் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் जो शर्ट में स्ट्राइप्स और चेक्स को मैचिंग करने के लिए जो ऑप्शन रहते हैं ये यहाँ पर रहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं राउंड राउंड बैक आम की जो मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेके उसके बाद यहाँ पर योग की सेंटर मार्क करना पड़ेगा वो उसका वीडियो है मैं आपको उसका वीडियो भी शेयर करता हूँ ताकि आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा जी नहीं आपको जो लेंथ एंड है ना तो 1.6 मीटर की एक मीटर लेंथ एंड विथ तो होगा तो इसके लिए आपको लेजर कटिंग मशीन में तो इजी आ जाएगा और आपको प्रिंटर में जा रहे मतलब आपको यहाँ पर एडिशनल शीट आएगा तो उसके शीट में आपको आसानी से आपको ஆசானிசேஸ்ட் கட்டிங் மா பேண்டோட கட்டிங் பிரிண்ட் எடுத்தது இருந்தா அப்படியே காட்டுங்க அந்த இப்போ பிரிண்ட் முடிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அது காட்டிங்ல கேமரால எஸ் ஆப்கோ பேப்பர் பேட்டர்ன்பி ஆகா பேப்பர் பேட்டர்ன் எடுத்தது இருக்காப்பா பிரிண்டில் ப்ரிண்டரில் எடுத்திருந்தா அதையும் காமிங்க இல்லை சாஃப்டரில் தேவையில்லை எனக்கு பேப்பர் பேட்டர்னாக இருந்தால் ஓகே

வேஸ்ட் லூஸ் மட்டும் சீட் லூஸை விட உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக போடுங்க ஓகே அவங்களே போட்டிருக்காங்க பேருமா வேஸ்ட் லூஸ் வந்து ஃபிஃப்டி போட்டுக்கோ சீட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கோ லென்த்து தேர்ட்டி நைன் போட்டுக்கோங்க हर एक कस्टमर को जैसे हम हाथ से कटिंग करते हैं वैसे कि वैसे आपको पैटर्न भी आएगा इसमें तो इसलिए आपकी जो कस्टमाइज मेजरमेंट है वो मेजरमेंट हम यहाँ पर डाल के एक दिखाता हूँ तो इसलिए आपकी वेस्ट लूज फिफ्टी इंचज़ वेस्ट फिफ्टी सीट लूज़ बंद फोर्टी फाइव एंड नी लूज तई लूज़ बंद थर्टी को அதுக்கப்புறம் நீ லூஸ் வந்து நைன்டீன் பாட்டம் வந்து சிக்ஸ்டீன் டை லூஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கொடுத்துக்கோங்க அவங்க தேர்ட்டி கொடுத்து இன்னும் இஷ்யூஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மற்ற நாள் மாற்றிக்கோங்க அவங்க டுவெண்ட்டி நைன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஓகே அது எல்லாமே கரெக்டாக அது அவங்க கொடுத்தது தான் ஜிப் லென்த் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் கொடுத்துருங்க थ भी हमको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा जी नहीं तो आप इन सिम की मेजरमेंट लगा सकते हैं अभी मैं पैटर्न में दिखाता हूँ देख लीजिए एक पैटर्न एडेगा मैम ऐसे आपको कटिंग आएगा जी तो हर एक कस्टमर को जितना आपकी मेजरमेंट हो ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर राइट साइड पर देखेगा क्या क्या मेजरमेंट हमने एंटर किया है जिसके हिसाब से आपकी पैंट की कटिंग आया करके आप वहां पर देख सकते हैं इसमें आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप एक ही साइड हम लूज देते हैं या इन एंड आउट बोथ साइड आप लूज देते हैं सब कुछ आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं जितना लूज आया है उतना लूज आपको बराबर दोनों साइड रखना है या आप सिर्फ एक ही साइड रखना है करके वो भी आप फिक्स कर सकते हैं इसमें इसलिए अपडेट तो काम चुनगे इपो इजक அடுத்து இன்னொரு மெஷர்மென்ட் கொடுத்துற காங்க பாருங்க अगर आपको कुछ डाउट भी हो ना रेस हैंड कीजिए तो मैं आपको वो डाउट पर पूछता हूं ये मीटिंग होने के बाद आप सभी लोग आपकी मेजरमेंट हम यहाँ हम पर बेच सकते हैं, सो so दैट आपको कटिंग आप पिशली टच करके भी देख सकते हैं और स्टिचिंग और फिटिंग भी देख सकते हैं तो हमारी जूम ऑप्शन पर नीचे जो है यहाँ पर राइस हैंड करके एक ऑप्शन भी होते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे राइस हैंड दीजिए मैं अभी दिया है आपको दिखेगा ऐसा आपको राइस हैंड दे सकते हैं कपड़ा कितना भी हो ना उसके हिसाब से अपना पैटर्न एडजस्ट कर सकते हैं पर मिनिमम जो कस्टमर की कंसेप्शन होते हैं वो तो होना ही चाहिए तो एक एक कस्टमर तो एक मीटर पे कपड़े कटिंग करते हैं एक एक कस्टमर की मेजरमेंट तो डेढ़ मीटर तो पड़ते है तब वैसे ही हमको मेजरमेंट क्या इसमें जो अलाइनमेंट हम कर सकते हैं तो लेंथ और विथ के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न आप इप आप डी कट पोंग म। ये पर एक नॉर्मल फैब्रिक मटेरियल और लेंथ एंड विथ ते गाड़ो पोड़ना अपड़ीये। जैसे एक ये के पैटर्न है। अगर आपको कपड़े जितना भी नॉर्मल कपड़ा होगा उसके हिसाब से आप डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं इसमें पॉकेट किधर तक रखना है वो भी आपको नॉचेस आ जाएगा तो नी लेंथ की नॉचेस आ जाएगा आपको अटैच करने के सब कुछ आपको यहाँ पर आ जाएगा ये है अभी कपड़े के बारे में एडजस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जितना कपड़ा हमारे पास है लेंथ और विथ उसके हिसाब से हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं खे तो हमारा कपड़ा कितना है उसके हिसाब से वो भी आपको एडजस्ट हो जाएगा और ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है सब कुछ आपको जब मशीन देते वहीं पर आपको ट्रेनिंग सेशन होता है इसमें आपको कपड़ा एडजस्ट करना क्या होता है और पैटर्न्स की फाइनलाइज आपको कैसे करना है कैसे आपको निकालना है सब कुछ होता है जी जी आपकी मेशरमेंट्स जो भी आप हाँ बेचते हैं हम नोट करके रखते हैं आपके मेशरमेंट की कटिंग हम आपको कुरियर बेचते थे आप उसमें देख सकते हैं आपकी कटिंग की अलाउंसेस कैसा आया करके ये अपना सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डेमो मैंने दिखा दिया अभी आपकी डाउट्स बता दीजिए जी करंट बिल आपको होते सिंगल फेस करंट में ही तो चलता है बिजली की सिंगल फेस तो चलता है आपको क्या है एक घंटे आपको कटिंग होने पर एक यूनिट पड़ेगा जी तो आपको पूरे आठ घंटे आप अगर काम करते हैं तो आठ यूनिट की करंट तो आते हैं बिजली तो आप जो कि मशीन जैसे डायरेक्ट ड्राइव मशीन चलाते वैसे के वैसे आपको ये कंसेप्शन रहेगा लेडी शर्ट पैंट कटिंग डिफरेंट फ्रॉम हाँ जी ये जो मैंने आपको दिखाया था वो सब कुछ जेंट्स के बारे में दिखा था लेडीज़ के सेशन पिछले सेशन था उसमें मैंने पैंट शर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया अगर आपको जेंट्स लेडीज़ के बारे में भी देखना हो तो दे, डेमोस्ट्रेशन उसका अलग रहते है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये जेंट्स के सॉफ्टवेयर और मशीन के साथ आपको पड़ेगा सेवन लाख एट थाउजेंड पड़ेगा जी बाकी सिक्स लाख प्लस जीएसटी पड़ेगा मार्जिन तो आप अपने आप रख सकते हैं इसमें जो खर्च है आपको आधा इंच दिया होगा सभी कटिंग्स पर जो अटैचिंग अलाउंसेस होते हैं वो साइड पर जो होते हैं आपको हाफ इंच होगा और जो पैंट की वेस्ट uh, अलाउंसेस होगा वो डेढ़ इंच होगा उसमें आपको अगर कुछ फ़र्क करना है चेंजेस करना है वो भी आप कस्टमाइजेशन uh, ऑप्शन उसमें रहेगा तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं मेंटेनेंस तो उसमें आपको कास नहीं रहते उसमें सिर्फ आपको मशीन ऑयल जैसे हमको वो हेड मूव हो गया ना अभी कैमरा पर अभी देखा होगा आपने अभी कैमरा ऑन पड़ेगा काम मेंटेनेंस के तो पीछे मैंने जो दिखाया था उसमें डिस्टल वाटर फिल करना पड़ता है जी तो उसमें ये आपकी हेड होते हैं इसमें आपको सिर्फ आपको मशीन uh, ऑयल लगाना पड़ता है हफ्ते के एक बार जैसे तो उसके बाद आपको पीछे मैंने जो दिखाया था उसमें पीछे में आपको रहता है जिसमें आपकी जो मेंटेनेंस होते हैं उसमें या यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको चिल्लर होते हैं ये चिल्लर होते हैं इसमें आपको पानी डालना पड़ेगा जैसे डिस्टिल्ड वाटर यूपीएस को हम फिल करते वैसे तो प्रिंट प्रिंट आउट सॉफ्टवेयर और लेजर uh, सॉफ्टवेयर अलग अलग कॉस्टिंग होते हैं प्रिंटआउट सॉफ्टवेयर आपको पड़ेगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पड़ेगा जी इसमें आपको प्रिंटर और सॉफ्टवेयर दोनों आ जाएगा इसमें प्रिंटर के बारे में भी आपको प्रिंटआउट कैसे निकाल के वो भी ट्रेनिंग आपको रहेगा और ये रूम आपको मिनिमम स्क्वायर सेंटीमीटर उनके अच्छा होते हैं जी मतलब टेन बाय सिक्सटीन रूम होते हैं ना वो रूम आपको सही रहते हैं, नहीं एसी का जरूरत नहीं है ये तो आपकी नॉर्मली आप वो मशीन पे देखा होगा एग्जिट करने के लिए एक ब्लोयर फैन लगाते हैं उसके लिए एक छोटा सा जैसे हम किचन पर एग्जॉस्ट फैन रखते हैं ना वैसे के वैसे एक छोटा सा होल रहने बस उतने एसी रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ जी तो हर एक कपड़े भी आप लग सकते हैं तो अगर अगर मोटा भी कपड़े हो तो वो भी कटिंग हो जाएगा जितने भी पतले भी हो तो वो भी कटिंग हो जाएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कटिंग करने के समय आपको पावर एडजस्ट करना पड़ता है आई थिंक आप सब लोग कस्टमाइज टेलरिंग के हो है ना जी अगर आप कस्टमर से की में हो तो आप मुझे बता दीजिए आई थिंक सॉफ्टवेयर के डेमो हो गया आप हर एक कस्टमर को मेशरमेंट देखने के लिए आप आपके मेशरमेंट पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपको ियर बेचता हूँ तो सो दैट यू कैन सी दिस महाराष्ट्र पे हमारे यूजर है कोल्हापुर में हमारा यूजर है जी कोल्हापुर में घारकोड आई थिंक सो so, घारकोड एरिया पर हमारा यूजर है तो आप वहां पर भी जाना है तो मैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेके आपको बताता हूँ आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और कुछ डाउट्स थे किसी का आई थिंक ये डेमो आपके लिए अच्छा होगा कुछ डिटेल्स ज़रूर मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ उनका लोकेशन के बारे में तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं हाँ जी मार्किंग मैंने आपको दिखाया कटिंग पर आपने देखा नहीं होगा तो उसमें आपको नॉचेस भी आएगा तो कहाँ पर आपको डॉट रखना है करके वो नॉचेस आपको आएगा जी ज़रूर जी थैंक यू आप सॉफ्टवेयर पे एक बार देख सकते हैं और कटिंग जो किया है ना उसमें भी आप देख सकते हैं मैं कैमरा ओपन बनूंग म कैमरा ओपन पड़ी अंद पैंट कटिंग पोटिंग लिया अंद कटिंग लाटेंगे वो कैमरा पे अभी देख सकते हैं आप हाँ नाचेस काटेंगे मैला प्लीज विक्र नाचेस मेला मेला मेला, हाँ वहाँ पर आप देख सकते हैं जी वो अटैचिंग नाचेस है सेंटर पे जो दिया है वो प्लीज की मार्किंग है हाँ जी वो आपको सिंगल प्लीज के अलग आएगा डबल प्लीस के अलग आएगा फ्रंट और बैक वहाँ पर भी आपको कहाँ रखना है वो रख सकते हैं आप சாஃப்ட்வேர் பேஜ் காட்டுங்கம்மா சாஃப்ட்வேர் ஸ்கிரீன் சாஃப்ட்வேருக்கு போய்க்கோங்க ஷர்ட் பேட்டர் ऐसे आपको पैटर्न्स आ जाएगा तो इसमें कहाँ पर आपको प्लीट्स लगाना है मतलब आ, ये तो शर्ट की है अगर कहाँ पर आपको नॉचेस आना है करके यहाँ पर आपको साइड पर ऑप्शन मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं अब ये शर्ट पैंट और तब भी ओपन पड़ेंगा प्लीट्स और द काटें आधे लेता हैं ना हमले के डॉट इसमें खास सर्विस के बारे में कुछ होता नहीं जी जैसे हम मशीन यूज़ करते वैसे कि वैसे होते हैं तो आपको दो महीने के एक बार वो डिस्टल वाटर चेंज करना पड़ेगा और हफ्ते के एक बार वो मशीन ऑयल लगाना पड़ता है अगर आपको कोई भी सर्विस की ज़रूरत हो तो एक वन ईयर का तो आपकी वारंटी रहती हमारे लोग वहां पर आके डायरेक्ट आपको कर देंगे उससे अलावा अगर कुछ आपको सर्विसेस करना है तो आप अलग से बुक कर सकते हैं जी ए, एक दिन के अंदर तो वहां पर आपको आ जाएगा ऐसा आपको डॉट आप देख सकते हैं नॉचेस की फ्लीट्स की नॉचेस इसमें आ जाएगा आपको जी और कुछ डाउट्स है जी किसी का जी मैं जरूर आपको अरेंज करता हूँ तो नेक्स्ट डेमो सेशन पर आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ दी तो सो so दैट आपको वहाँ पर जॉइन करके आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन जी जेंट्स भी आप करते हैं जेंट्स और लेडीज दोनों टेलरिंग कौन कौन करते हैं जी मुझे मालूम कर सकता या ओनली जेंट्स टेलरिंग करते हो जी तो दोनों लोग को तो मैं हर एक बार एक और बार भी हम डेमो अरेंज करते हैं तो मुझे प्लीज़ यहाँ पर ड्रॉप कीजिए अगर आपको कुछ जें लेडीज़ का भी है तो मुझे ड्रॉप कर दीजिए मैं नेक्स्ट जेंट्स लेडीज वर्शन के लिए आपको मैं इनवाइट कर देता हूँ नहीं आपको अलग अलग करने के लिए तो कोई आ, ये क्या मतलब आपको जो जेंट्स के सॉफ्टवेयर मैंने जो एक्सप्लेन किया ये तो आपको वन आवर हो गया वैसे आपको लेडीज को भी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम लगेगा तो मैं दोनों एक ही बार एक्सप्लेन किया तो दोनों तरफ के कस्टमर तो ठीक है पर एक ही कोई ना कोई एक ही कस्टमर को चाहिए मतलब उनको टाइम पड़ जाएगा ना इसलिए हमने अलग अलग टाइम रखा है तो इसलिए आपको अलग अलग टाइमिंग में बता रहा हूँ मतलब आपकी जो कस्टमर की प्रोसेस जो होगा कटिंग की प्रोसेस जो होगा वो तो एक ही जैसे होते हैं जी जी थिंक आप सब लोगों का ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से अंडरस्टेंड होगा तो आपकी मेजरमेंट दीजिए मैं आपको कुरियर कर देता हूँ आपकी मेजरमेंट की कटिंग डाउट्स आपको पूछना है तो मुझे बता दीजिए मीटिंग अभी एंड होने वाला है जी ये ये तो रिकॉर्डेड सेशन है आप सब लोगों को तो मुझे मैं यूट्यूब लिंक भेजूंगा आप देख सकते हैं ये, ये मीटिंग पर थैंक यू ऑल जी Thank you all. Thank you. Thank you, sir.